हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैंने आज मेरे नए वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है धानी। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा उसके बारे में, जो नीचे मेरा लोगो आ रहा होगा कि आज हम धानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें धानी के बारे में बताता हूँ जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ। दोस्तों, धानी धानी जो अपने यूजर्स को एक बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कि जैसे कि है आप अगर कोई आप उस धानी के कार्ड से शॉपिंग करते हैं, आपको लिमिट मिलती है तो, और हाँ सारे ज़्यादा आप उनकी 3 EMI बनवा सकते हैं, उसको आप 3 EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, उसमें इशू क्या है कि अगर धानी में आप जो EMI में अपने उसको जो का अमाउंट है उसको आप कन्वर्ट करवाते हैं तो धानी 3 EMI बनवाता है, बट आपको जो फर्स्ट EMI है वो इमिजिएटली नेक्स्ट डे ही पे करनी पड़ेगी। जी हाँ, ठीक सुना दोस्तों आपने। तो धानी की EMI है, आपको जो फर्स्ट EMI है आप जब भी कन्वर्ट करवाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे ही पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो नेक्स्ट मंथ बिलिंग साइकिल होगा उसमें आपको फर्स्ट EMI पे करनी पड़ेगी, जो आपका नेक्स्ट डे होगा, जैसे कि आज 18th है या 19th है, तो आपको 20th को ही, अगर 19 है 20 तो 20 को, 21 है 22nd को ही आपको धानी की फर्स्ट EMI पे करनी पड़ेगी। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे भी चीज समझ नहीं आई। धानी को अपने यूजर से विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं है धानी को, फिर ये EMI वाला ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था कि 33.33% आपको पेमेंट नेक्स्ट डे ही करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट EMI नेक्स्ट डे पे करनी पड़ रही है तो EMI का कोई मतलब नहीं रह जाता। EMI का मतलब यही है कि आप जो आपकी जो अभी आपका अमाउंट है उसको आप धीरे धीरे पे कर सके। बट धानी ने ये ऑप्शन दे रखा है कि नेक्स्ट डे ही आपको फर्स्ट EMI पे करनी पड़ेगी, तो मेरे समझ के बाहर से ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर धानी वाले इसका अगर मेरी वीडियो देखे तो उसका जवाब दे सकते हैं, और आप भी मेरी वीडियो का आप जवाब देंगे कि आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कैसी लगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।